गंगा पापं शशितापं दैन्यं कल्पतरुस्तथा पापं तापं च दैन्यं च हन्ति साधु समागमा। गंगा पाप को नष्ट करती है, चंद्रमा ताप का हरण करता है, कल्पतरु दरिद्रता का नाश करता है, किंतु साधु समागम पाप ताप और दरिद्रता तीनों का हरण करता है। फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का वह शहर है जो पौराणिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से अपनी एक विशेष पहचान रखता है। और फर्रुखाबाद से मिलने मैं गंगोत्री होता हुआ फर्रुखाबाद जा रहा हूं। फर्रुखाबाद पहुंचकर मुझे न केवल गंगा के पावन दर्शन हुए, बल्कि मैं माघ महीने में लगने वाले वहां के राम नगरिया अपराकाशी के नाम से होने वाले मेले का भागीदार भी बना। न केवल भागीदार बना, बल्कि मुझे वहां 40 दिनों के कल्पवास का अवसर भी प्राप्त हुआ। मेले का यह शुरुआती समय है जहां प्रशासन द्वारा जन सहभागिता के सहयोग से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। जन सहभागिता के साथ इस मेले का आयोजन 1954 से अनवरत चला आ रहा है और जन सहभागिता ने इस बार प्रशासन के मुखिया के रूप में श्री मानवेंद्र सिंह IAS जिला अधिकारी फर्रुखाबाद को चुना। श्री मानवेंद्र सिंह ने माघ महीने में होने वाले स्नान को ध्यान में रखकर गंगा किनारे न केवल सफाई का पूरा इंतजाम किया, बल्कि आम जनता को गंगा स्नान में कोई तकलीफ ना हो इसके लिए विधिवत स्नान योग्य घाटों का निर्माण भी कराया। मेले के सुचारू रूप से संचालन हेतु डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया IAS, मुख्य विकास अधिकारी फर्रुखाबाद ADM श्री विवेक श्रीवास्तव और अनिल कुमार मिश्रा पुलिस अधीक्षक दिन रात मेले की सेवा में तत्पर थे। यहाँ एक प्रशासनिक कार्यालय भी था जिसमें CCTV के अलावा मेहमान के विश्राम हेतु सभी सुविधाएं थीं। देखते ही देखते गंगा किनारे लगभग 2 किलोमीटर का तंबुओं का शहर बन गया। यहाँ मैंने 2 शमशान घाट देखे, एक गंगा के इस पार और एक गंगा के उस पार। गंगा के इस पार जो शमशान भूमि थी वहां आने जाने का जो रास्ता था वो बहुत ही तंग भी था और भीड़ भाड़ वाला भी, जिससे शव यात्रा में आए जनमानस को गंगा स्नान में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इस समस्या से निदान हेतु श्री मानवेंद्र सिंह IAS जिला अधिकारी फर्रुखाबाद ने SDM श्री अनिल कुमार को आदेश दिया कि गंगा के किनारे किनारे जो भी अतिक्रमण है उसको हटाकर शमशान भूमि से लेकर गंगा घाट तक एक विधिवत रास्ता बना दिया जाए। लिहाजा SDM श्री अनिल कुमार ने श्री मानवेंद्र सिंह की व्यक्तिगत देखरेख में उस रास्ते का निर्माण कराया, जिससे अब जनमानस के लिए गंगा घाट पर पहुंचना बहुत ही आसान हो गया और यह सब भी मेले की व्यवस्था का एक अंग था। पांचाल घाट के ठीक सामने तंबुओं का शहर तेजी से विस्तार ले रहा था। तंबू के साथ साथ कल्पवासियों की सुविधा हेतु दुकानों का काम भी जोर शोर से चल रहा था, जिसे नगरवासी और प्रशासन ने मिलजुल कर तैयार किया था।
इस बार के मेले की खास बात ये थी कि इस मेले को प्लास्टिक और तंबाकू से पूरी तरह मुक्त रखा गया। प्लास्टिक की जगह पर हाथ के बनाए हुए मिट्टी के कुल्हड़ इस मेले की शान बढ़ा रहे थे। देखते ही देखते गंगा किनारे रंग बिरंगी तमाम दुकानें तैयार हो गईं। गंगा घाट पर प्रशासन द्वारा की गई डूब क्षेत्र से पहले की बैरिगेटिंग पर लोगों ने स्नान भी शुरू कर दिया। नमामि गंगे, नमामि गंगे, नमामि गंगे, नमामि गंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। मेले में मनोरंजन का भी खास ख्याल रखा गया, जिसके लिए बकायदा एक रंगमंच का निर्माण किया गया। जिस दिन मेले का उद्घाटन था, उसी दिन रंगमंच को भी विधिवत रूप से पूजा पाठ कर तैयार किया गया। इस रंगमंच की विशेषता यह थी कि इसको जर्मन हैंगर तकनीक पर तैयार कराया गया था, जिससे यहाँ आए दर्शकों पर किसी भी प्रकार के मौसम का कोई प्रभाव न पड़े। भागीरथी सुख दायिनी मातस तब जल महिमा निगमे ख्यात ना हम जाने तब महिमानम पाहि कृपामयी। सुबह 10 बजे के आसपास श्री मानवेंद्र सिंह जी ने अपने पूरे स्टाफ के साथ एसडीएम श्री अनिल कुमार की देखरेख में विधिवत हवन किया और इस तरह 10 जनवरी 2020 को अपरा काशी पांचाल घाट पर मेले का शुभारंभ हुआ। पूजा पाठ के बाद कुछ स्कूली बच्चों ने स्काउट का शानदार प्रदर्शन किया, जिसको देखकर श्री मानवेंद्र सिंह गदगद हो गए। शुभारंभ के दिन ही माँ गंगा को वस्त्र पहनाना परंपरा का एक अंग था। स्थानीय भाषा में जिसे पहरावन कहते हैं, लिहाजा माँ गंगा को रंग बिरंगे परिधान भी पहनाए गए। शंकर मौली विहारिणी विमले मम मति रास्ता तब पद कमले नमामि गंगे। इसी दिन 10 जनवरी को नमामि गंगे का भी आयोजन किया गया था, जिसके अवलोकन हेतु श्री मानवेंद्र सिंह वहां पहुंच गए और मुझे तो उनसे बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा पहला सवाल था कि इतने अल्प काल में, क्योंकि मुझे मालूम था श्री मानवेंद्र सिंह अभी 2 महीने पहले ही ललितपुर से ट्रांसफर होकर फर्रुखाबाद आए हैं, ऐसे में इतने बड़े आयोजन को संभालना हिम्मत की बात थी। तो मेरा भी वही सवाल था कि इतने कम समय में आपने इतने अच्छे आयोजन को कैसे अंजाम दिया। और मैं, मेरे इच्छा थी पहले से ही कि मुझे इसी जनपद में काम करने का मौका मिले, जहाँ मुझे
गंगा पर काम करने का, और मुझे मेरा मैं से सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे ये और यहाँ पर आते ही मैंने सबसे पहले गंगा जो हमारे नगर सीमा से जाती है नगर के किनारे से बहुत गंदगी थी और गंगा सबसे पहले और प्रतिदिन समीक्षा करते हैं। आज नगर के किनारे में जितनी गंदगी है वो समाप्त हो गई है क्योंकि राम नगर मेला प्रतिवर्ष यहाँ पर आयोजित होता है। मैंने यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले दो महीने पहले आ गया था, मैंने प्रारंभ से ही इस पर तैयारी करना शुरू कर दिया और मैंने कहा था कि इस तरह कुंभ मेला में सफाई विशेष तक नहीं है, हमारे जो सीमित संसाधन है उनमें उसी स्तर की सफाई हम हासिल करने का प्रयास है और पिछले वर्षों से लगभग हमने दो गुना बजट एवं सफाई के लिए रखा, जगह जगह पर हमने दस गुना बनाए पहले कभी नहीं रखे जाते और सफाई दिन में कम से कम चार या पाँच बार हुआ, उसकी व्यवस्था की लोगों को एजुकेट किया कि सफाई डस्टबिन में रखा जाए। इसका प्रतिफल यह है कि मेरा बहुत अच्छी सफाई। मुझे SDM श्री अनिल कुमार से भी बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसको डिग्री से अधिक गंगा माँ की सेवा के रूप में लिया था, प्रतिदिन में लोग सफाई करता, इसमें मेले में टाइम देता था, जितने भी साधु महात्मा यहाँ थे उनसे मिलता था, उनसे ये पूछता था कि पिछले साल में क्या कमी थी, उसको हमने सही करने का प्रयास किया और अंदर से खुशी हो रही है कि जब मैं देखता हूँ यहाँ साफ सुथरा गंगा साफ है, लोगों में जागरूकता है, कोई भी सभी तरह शौचालय का लोग प्रयोग कर रहे हैं, रास्ते साफ सुथरे हैं, तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। गंगा माँ का सेवा करना हर आदमी किसी में नहीं होता, क्योंकि माँ गंगा जिसके लिए बहुत कुछ करना एक थोड़ा सा ही काम है। तो आइए हम सब भागीदार बनते हैं नमामि गंगे की आरती का। नमामि गंगे का भव्य आयोजन 11,000 दीयों के साथ मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया के निर्देशन और श्री अनिल कुमार SDM फर्रुखाबाद और श्री भारत प्रसाद DPO फर्रुखाबाद की देखरेख में संपन्न हुआ। 5100 दिए अलग से जनता के लिए माँ गंगा को प्रवाहित करने के लिए रखे गए थे। सब सुख करनी हरन सब शूला जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद हर नाग विबुध बंदिनी जय जनम बालिका जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद हर नाग विबुध बंदिनी जय जनम बालिका पद सरोज राशीष शीश पर विभा विष्णु पद सरोज राशीष शीश पर विभा त्रिपथ गासी पुण्य राशि पाप छालिका त्रिपथ गासी पुण्य राशि पाप छालिका जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद हर नाग विबुध बंदिनी जय जहन बालिका विमल विपुलवा शिवारी शीतल त्रैतापहार विमल विपुलवा शिवारी शीतल त्रैतापहार भावर वर विहंग तर तरंग मालिका भावर वर विहंग तर तरंग मालिका जय
जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद्र हर नाग विबुध बंदिनी जय जहन बालिका पुरजनों पुजो पहाड़ शोभित शशि धवल धार पुरजनों पुजो पहाड़ शोभित शशि धवल धार भंजन भव भार भक्ति कल्प थालिका भंजन भव भार भक्ति कल्प थालिका जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद नर नाग विबुध बंदिनी जय जहन बालिका नमामि गंगे के दूसरे दिन मेला अपने पूरे रंग में था। और इस पहले दिन के रंग का आनंद लेने के लिए श्री मानवेंद्र सिंह जिला अधिकारी फर्रुखाबाद और मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया के साथ मेले का आनंद लेने के लिए मेले में जा पहुंचे और उन्होंने मेले के उन तमाम झूलों का आनंद लिया जो वहां पर उपलब्ध थे। झूलों का आनंद लेने के लिए श्री मानवेंद्र सिंह जी और डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया के साथ थे जॉइंट मजिस्ट्रेट मिस्टर अमित आसेरी और साथ में थीं आकांक्षा समिति की अध्यक्षा श्रीमती मंजू सिंह, उपाध्यक्ष डॉक्टर उषा सैनी पेंसिया और सदस्या प्रियंका आसेरी। इन सभी ने आम जनता के साथ झूलों का आनंद लिया। No!
अगली सुबह मैं हैरान था और साक्षी भी। यदि साधुओं को सुबह 4 बजे 4 डिग्री के तापमान में नहाते हुए देख लो तो आपके भी नहाने का मन हो आता है। धारणा है कि माघ महीने में आप 1 महीने अगर गंगा स्नान करते हैं तो आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता साल भर तक आपके शरीर को सुरक्षित रखती है। इंतजार था मुझे आज की उस शाम का जब देश के जाने माने कवि मेले में स्थित रंगमंच पर तशरीफ लाने वाले थे, और सच कहूं तो मुझे किसी भी कवि ने निराश नहीं किया। असाधारण है, अद्भुत है। मैं इन सब का अपने अंतर मन से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अच्छी व्यवस्था थी और वो यहां पर रिपीट हुई है। मैंने इस पूरे कार्यक्रम में, इस मेले के कार्यक्रम में एसडीएम साहब का बजट बिगाड़ने का पूरा काम किया। मैंने इनका बजट मैंने सफाई में भी काफी बिगाड़ा। हम इनका सब जगह डस्टबिन रखवाओ और उसी तरह की सफाई होनी चाहिए जैसी कि इलाहाबाद में कुंभ के दौरान की हुई। हिमवान का इस देश को अवदान है गंगा। यदि गंगा जल का दर्श स्पर्श पान मिल गया तो तीनों देवताओं का वरदान मिल गया। यदि गंगा जल का दर्श स्पर्श पान मिल गया तो तीनों देवताओं का वरदान मिल गया।
कवि सम्मेलन के बाद मुझे लगता है कि समय अधिक हो गया है। चलिए अब हम मिलेंगे अगली कड़ी में।